होली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में दो दिन के विश्राम के बाद इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव एवं विधायक अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में परिवर्तन पदयात्रा आपके द्वार वीरवार को 12वें दिन पलवल हलके के गांव अटोहा से शुरू हुई। जगह जगह पर लोगों ने गर्म जोशी के साथ अभय सिंह चौटाला का जोरदार स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर नाते हुए लोग यात्रा में शामिल हुए तो वहीं गाँव छज्जू नगर पहुंचने पर पूरा गाँव अभय सिंह चौटाला के स्वागत के लिए उमड़ पड़ा। गांव के हर एक घर से महिलाएं पहुंची। छज्जू नगर वही गांव है जहां जननायक ताऊ देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री रहते हुए इस गांव में ठहरा करते थे। इनेलो नेता ने कहा कि परिवर्तन पदयात्रा के दौरान वे हर रोज 20 से 25 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और अब तक 12 दिनों में करीब 125 गाँव में जा चुके हैं। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 2024 में हर हाल में हरियाणा में परिवर्तन आएगा। आज इस सरकार से नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, गृहिणी समेत सभी वर्ग बेहद दुखी हैं और इस बेरहम सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन 2022 चला गया और किसान पर कर्जा बढ़ता चला गया। आज रोजमर्रा की वस्तुएं आम आदमी की पहुंच से बाहर हो रही हैं। उन्होंने कहा कि वे ग्रामीणों के बीच बैठकर उनसे इस सरकार की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी लेते हैं। जनता इस सरकार को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है और 2024 का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इनेलो नेता ने कहा कि 2024 में इनेलो की सरकार बनना तय है। हमारे कितने बच्चों को रोजगार मिला और इस 3 वर्ष में कितना सिंचाई का पानी आया, गांव में क्या क्या विकास के काम हुए, इन सब बातों पर चर्चा कर रहा हूं। मैं जब आपके गांव में आया था तो नौजवान साथी मेरे साथ चल रहे थे। मैंने उन नौजवान साथियों से पूछा था कि आपके गांव में कौन कौन सी समस्याएं हैं। मुझे सुनकर के बड़ी हैरानी हुई थी। कांट बड़ा गांव है और इस गांव के साथ कोई मेरा राजनीतिक रिश्ता नहीं, कोई सामाजिक रिश्ता नहीं। कांट गांव के साथ तो हमारा पारिवारिक रिश्ता है। यहां मैं कोई पहली बार ही आया, मेरे से पहले चौधरी देवीलाल आते हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अनेक बार आपके गांव में आए, अनेक बार जब भी आए आप उनको हमेशा सम्मान दिया, क्योंकि वो स्वयं जागरूक निर्णय हुए थे, इसलिए आप उनको हमेशा सम्मान देने का काम करते हैं। सम्मान नौजवानों से पूछ रहे बात क्या कमी है गांव में, मुझे सुनकर के आज चांद गांव में भी नशा जो है सरिया में अच्छा बिकता है, नहीं बिकता है गांव में। इसका कारण एक बड़ा कि आपके चांट कांट में नहीं, हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई गांव ऐसा नहीं, कोई कस्बा और शहर ऐसा नहीं है जिसमें नशे का खुला कारोबार ना चल रहा। आपने कई दफा देखा होगा, मैंने